अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जब आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है। इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक दो दिन से हम कोई वीडियो बना नहीं सके क्योंकि तबीयत जो है वो कराची का मौसम भी ऐसा है, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो जिसकी वजह से एक दो दिन से हम कोई वीडियो बना नहीं सके और अभी भी पता नहीं ये वीडियो पूरी कंप्लीट बन पाएगी या इसको बंद करना पड़ेगा। बहरहाल कोशिश करते हैं। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, ठीक है, और 800 ज़्यादा जो है उसकी ब्रांचेस हो चुकी हैं जिसमें सब ब्रांचेस शामिल नहीं है। और अगर शायद क्योंकि बैंक अल हबीब की सब ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा है तो अगर सब ब्रांचेस को भी शामिल कर लिया जाए तो जनाब ये बैंक अल हबीब तकरीबन 1000 ब्रांचेस तक हम इसको कह सकते हैं कि 1000 ब्रांचेस हैं बैंक अल हबीब की। बहुत पुराना बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत मंझा हुआ बैंक। 800-900 हज़ार ब्रांचेस जिस बैंक की हो पाकिस्तान के अंदर तो वो छोटा मोटा बैंक तो होगा नहीं, और बहुत कामयाब बैंक है, ठीक है। कस्टमर भी बहुत ज़्यादा है इनके और बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है इनकी बैंक की, ठीक है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट, वीडियो में सबसे पहले जो हम जिस पॉइंट में बात करेंगे वो है अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग जो है वो दो तरीके से होती है जनाब। अभी देखिए, चूँकि ये हम सेविंग अकाउंट है तो इसमें जो है ये सेविंग अकाउंट सिंगल भी खुलवा सकते हैं, जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं, ठीक है। और भी जैसे कॉरपोरेट होता है, प्राइवेट पब्लिक सोसाइटी, क्लब, एसोसिएशन, ट्रस्ट अकाउंट, ये भी खुलवा सकते हैं। लेकिन जो हमारी वीडियो है वो है सिंगल के लिए, यानी कि मैं और आप जो अकाउंट खुलवाना चाहें उसके बारे में। तो जनरल अकाउंट अकाउंट खुलाने का तरीका तो यही, आजकल तो डिजिटल अकाउंट खुल जाता है तो उसका तो यही डिजिटल अकाउंट का कि आप जो है वो अपने लैपटॉप पर या मोबाइल पे लॉग इन, इनकी वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे अपना फॉर्म भरे, मतलब फॉर्म में CNIC कॉपी, CNIC इशू डेट, CNIC एक्सपायरी डेट, ठीक है, अपना पूरा कंप्लीट नाम, जो जो डिटेल्स वो मांगते जाते हैं वन बाई वन वो आप देते रहें, फिर आपसे CNIC के फ्रंट कॉपी बोलेंगे, उसको अपलोड करें, बैक साइड की कॉपी अपलोड करें, सैलरी स्लिप कॉपी अपलोड करें, और जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। वो होता है डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, ठीक है, जो आप घर बैठे या ऑफिस में बैठ के सबमिट कर सकते हैं और एक दो दिन में अकाउंट खुल जाता है। लेकिन ये 1% भी लोग नहीं खुलवा रहे डिजिटल अकाउंट, 99% जो है वो मैनुअल तरीके से खुलवा रहे हैं। अच्छा, मैनुअल तरीका क्या है कि आप ब्रांच का विजिट करें और जनाब एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएं, ठीक है। और इसके अलावा फॉर्म तो तमाम बैंक खुद ही भर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है, तो ठीक है, CNIC कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड फॉर्म पर साइन कर देंगे। एक अदद आपको जो चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए होगी वो होगा इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ जो है उसमें आप सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी भी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो कंपनी से एक लेटर ले लेके, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी है, इसका अकाउंट खोल दे, तब भी अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा किसी का पेंशन आता है, किसी का गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ किसी ने, या किसी का दुकान है उससे रेंट आता तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, या किसी का पेंशन आता है पेंशन के डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। इसी इनकम सब इनकम प्रूफ में आता है। तो इनकम प्रूफ, CNIC कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और फॉर्म, ये चीज़ें आप जमा करवाएंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जनाब इस अकाउंट की। PLS सेविंग अकाउंट है जनाब ये, इसका नाम है PLS सेविंग अकाउंट, ठीक है। देखते हैं क्या करें। सेविंग अकाउंट एन अकाउंट दैट मैनेज योर सेविंग विद द कन्वीनियंस ऑफ डे ट्रांजेक्शन नीड, मतलब एक ऐसा अकाउंट जो आपकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरा करता हो, ठीक है, और जो है डेली बेसिस पे जो भी आप उस पर ट्रांजेक्शन है कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते जनाब इसकी बेनिफिट्स की बात कर लें। तो बेनिफिट्स में जनाब नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब कम से कम कुछ 1 रुपये से भी अकाउंट कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। डेबिट कार्ड फैसिलिटी है, उसके बाद अल हबीब मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, जो इनकी तो वेब, इनकी जो ऐप भी मौजूद है तो वो गूगल से डाउनलोड करके जो है इनकी ऐप पर भी आप मोबाइल में भी सारा काम कर सकते थे। फ्री ई स्टेटमेंट है, ठीक जनाब, अप टू 90% फाइनेंसिंग अगेंस्ट डिपॉजिट, मतलब अगर आप 10 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो उसमें 9 लाख तक का जो है आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। फ्री लाइफ इंश्योरेंस है। अच्छा, SMS अलर्ट फैसिलिटी भी मौजूद है, चेकबुक फैसिलिटी है, बाइनल प्रॉफिट पे आउट है, और प्रॉफिट कैलकुलेशन और मंथली एवरेज बैलेंस, ठीक है।
प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट क्या है? बाय एनुअल। बाय एनुअल का मतलब हमें पता है कि प्रॉफिट जो है वो मंथली नहीं है, ना ही साल के बाद मिलेगा, बल्कि प्रॉफिट मिलेगा 6 महीने के बाद, ठीक है। और दूसरा ये कि प्रॉफिट कैलकुलेशन और मंथली एवरेज बैलेंस, हर महीने का जो एवरेज बैलेंस होगा तो उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और 6 महीने के बाद प्रॉफिट मिल जाएगा। देखिए सबसे बेस्ट तो ये होता है कि हर महीने प्रॉफिट मिले, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हर महीने आपको 1500 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, और कोई बैंक आपको कोई 1500 का जो प्रॉफिट जो है वो 6 महीने बाद दे रहा है, मतलब 1500 1500 1500 करके 6 महीने में जो प्रॉफिट बनता है वो दे रहा है, तो फर्क तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि हर महीने का प्रॉफिट का थोड़ा सा फायदा हो जाता है। लेकिन इनका प्रोसेस है कि इस अकाउंट का प्रॉफिट जो है आपको हर 6 महीने पर एक साथ मिलेगा, 6 महीने का प्रॉफिट 6 महीने बाद एक साथ मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेशन जो होगा वो मंथली एवरेज बैलेंस होगा, मतलब अगर 1 महीने आपका अकाउंट 10 लाख में, अकाउंट का एवरेज बैलेंस 10 लाख था, तो उस महीने 10 लाख के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, उसके अगले महीने में 1 लाख का एवरेज बैलेंस, तो 1 लाख के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ और 6 महीने बाद मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जरा प्रॉफिट रेट की बात कर ले, ऊपर आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट रेट जो है वो 20.50% है, ठीक है। अच्छा एक दो चीज़ें और ऐड कर दूँ, अभी हम आपको बताएंगे 20.50% के हिसाब से आपका प्रॉफिट क्या बन रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट क्या बन रहा है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, ठीक है। टैक्स 3 किस्म के लगते हैं, एक ज़कात टैक्स होता है, तो ज़कात टैक्स में बच सकते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट है, CZ का 50 जमा फॉर्म जमा करवाएंगे तो ज़कात टैक्स से बच सकते हैं। विथहोल्डिंग टैक्स है, विथहोल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका यही है कि जनाब विथहोल्डिंग टैक्स बेसिकली है कि विथहोल्डिंग टैक्स अगर कोई शख्स नन फाइलर है तो उस पर विथहोल्डिंग टैक्स लगता है, फाइलर पे विथहोल्डिंग टैक्स नहीं लगता। अच्छा नन फाइलर पे भी कंडीशन है कि नन फाइलर अगर 50,000 से ज़्यादा कैश पैसे निकलवाता है तो उस पर विथहोल्डिंग टैक्स लगेगा, तो आप चाहते हैं कि विथहोल्डिंग टैक्स ना लगे, तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की कैश ट्रांजेक्शन करें तो विथहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, बैंक का चेक डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर से ट्रांजेक्शन करेंगे तो फिर जो है आपका विथहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा इनकम टैक्स की बात कर लें, तो जनाब इनकम टैक्स तो पे करना ही करना है, चाहे आप हो या मैं हो। अभी कैलकुलेशन देख लेते हैं जनाब, कैलकुलेशन देखिए, साल का प्रॉफिट बन रहा है 20.50 का रेट है, साल का प्रॉफिट बन रहा है 20,500 रुपये, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,708 रुपये, ठीक है। अगर आप फाइनल हैं तो जनाब आपका टैक्स कटेगा 256 रुपये, टैक्स काटने के बाद 1,14,52 का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट चूंकि आपको 6 महीने बाद मिलेगा तो 6 महीने बाद आपको 1,08,713 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और पूरे साल का प्रॉफिट देखे टैक्स काटने के बाद तो 17,425 रुपये बन रहा है 1 लाख पे, तो 6 महीने का जो प्रॉफिट है वो हर 6 महीने पे आपको 8,713 रुपये मिल जाएगा 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, अगर आप फाइनल दो। नन फाइनल की बात कर ले, साल का प्रॉफिट बनेगा 20,500, मंथली प्रॉफिट बनेगा 1,708 रुपये। अगर आप नन फाइनल हैं तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 513 रुपये, टैक्स काटने पर 1 लाख का प्रॉफिट बन रहा है 1,196 रुपये, और 6 महीने चूंकि प्रॉफिट आपको 1 महीने में नहीं मिलेगा, 6 महीने में मिलेगा, तो 6 महीने का प्रॉफिट बन रहा है 17,175 रुपये, और साल का प्रॉफिट बन रहा है 14,350 रुपये 1 लाख पे, तो मतलब ये कि नन फाइलर को हर 6 महीने पर 7,175 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। फाइलर के लिए तो बहुत ही शानदार है जनाब, 8,713 रुपये हर 6 महीने प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख पर। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, सेविंग अकाउंट बैंक अरबी का नाम आप नोट कर लें, PLS सेविंग अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है और इसमें ट्रांजेक्शन की भी कोई लिमिट नहीं, जितना चाहे पैसा आप जमा करवाएं, जितना चाहे निकलवाएं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।